गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से JINC की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से पूरे JINC फैमिली की तरफ से हार्दिक स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि हमने अब तक जो पढ़ा है उसका एनालिसिस करने का अब ये समय है। हमारे पास समय इतना नहीं रहा है कि हम पूरे के पूरे चैप्टर्स को लेके चले, लेकिन आज आपको मैं बता दूं, आज आपके लिए थोड़ा सा खास रहेगा। इस बार जो पेपर के पैटर्न्स बदल रहे हैं उसी पेपर पैटर्न्स के बेसिस पर, यहां आपने देखा होगा कि जो भी पेपर सब आ रहे होते हैं उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा अप्लाइड बायोलॉजी की तरफ पेपर जो है खिसक रहा है। जो आपके मॉलिकुलर बायोलॉजी है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, इन पर अब ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक यही मॉलिकुलर बायोलॉजी है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन करके आपके जितने भी अच्छे कंसेप्ट है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए सभी जुड़ जाते हैं एक साथ। और क्योंकि JINC का यही नारा है कि अब जो है हमें छोटे मोटे टॉपिक्स पर या छोटी छोटी तैयारियों को लेकर नहीं, बड़ी तैयारी को लेकर एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ना है। आप सभी का सपना और JINC का सपना यही है कि आप सभी जो है सभी भावी अपने आप को नर्सिंग ऑफिसर के रूप में देखें, सभी भावी अपने आप को डॉक्टर के रूप में देखें, और हम सब मिलकर JINC के साथ मिलकर ये सपना जरूर साकार करेंगे। आइए जुड़ते हैं आज के सेशन में। पहले विद्यार्थियों, आज के सेशन में शुरुआत में मैं आपको बता दूं, जो भी विद्यार्थी RUHS नर्सिंग की तैयारियां कर रहे हैं वो अपने ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन जो कोर्स है उसको भी परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का क्या प्रोसेस रहेगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसे अपने लॉगिन आईडी से जो है लॉगिन कीजिए, और देन आफ्टर उसको इस नंबर पर जो है आपको सेंड कर देना है ताकि आपको जो है आपका कोर्स जल्दी से एक्टिवेट हो जाए। चलिए भाई बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला, जैल विद्युत का संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए खंड किसके आधार पर, जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के खंड किनके आधार पर जो है पृथक किए जाते हैं, उनके शेप के आधार पर, उनके नेगेटिव चार्ज के आधार पर, उनके पॉजिटिव चार्ज के आधार पर, या उनकी साइज के आधार पर। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए खंड जो है वो किसके आधार पर पृथक होते हैं उसको आपको बताना है। क्या उनकी शेप के बेसिस पर, या उनके नेगेटिव चार्ज के बेसिस पर, या पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पर, या उनकी साइज के बेसिस पर, जो आपके जो डीएनए फ्रेगमेंट को अपन अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, वो कौन सा आंसर इसका जाएगा। रेणुका चौधरी, साइज के बेसिस पर। आरिफ डी, साइज के बेसिस पर। डी आंसर, डी आंसर, सभी का डी आंसर, क्योंकि ये क्लास में क्वेश्चन आ रखा है बच्चे, और मैंने क्लास में वहां कहा भी था, कुछ बच्चों के बीच में दिक्कत थी या कुछ प्रॉब्लम थी कि सर अपन उसको चार्ज के बेसिस पे तो डिफरेंट कर रहे हैं, कैसे, जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान हम जो है डीएनए फ्रेगमेंट्स को, हमारे पास जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम किस और रखेंगे, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो आपने कहा कि डीएनए पर चार्ज कैसा है, डीएनए पर चार्ज कैसा हो जाएगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब आपका डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो हमें इसको किस जगह पर रखना चाहिए, बिल्कुल जो बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्या क्वेश्चन हुआ, ये तो हमें पता है, हम उसको कहां रख देंगे, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उसके अलोंग विपरीत दिशा में, नेगेटिव की तरफ रख देंगे, क्योंकि नेगेटिव इस साइड में है। इसका मतलब जब अपन नेगेटिव डीएनए को रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या देखा जाएगा, रिपल्शन, प्रतिकर्षण, जिसके कारण ये इस तरफ गति करेंगे। लेकिन अब गति जो है सर देखो चार्ज के बेसिस पे हो रही है, यहां आपने नेगेटिव की तरफ रखा और कहां दौड़ रहा है, पॉजिटिव की तरफ दौड़ रहा है। अरे बच्चे जो भी डीएनए फ्रेगमेंट है उन सभी पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये तो कॉमन बात हो गई। लेकिन अगर उनकी साइज देखी जाए, मोटा आदमी जो बहुत ज्यादा मोटा होता है वो कम भाग पाता है एज कंपेरिजन टू पतला आदमी, तो यहां पर आपके जिसकी साइज सबसे कम रहेगी वो जो है यहां सबसे पहले पहुंचेगा, और जिसकी साइज सबसे बड़ी है वो इतना गति नहीं कर पाएगा। तो उनके साइज के बेसिस पे हमने क्या कर दिया, उनको अलग कर दिया। क्या बात है कि कितना सिंपल क्वेश्चन और कितना अच्छा कंसेप्ट था। चलिए भाई अगला, मैंने क्लास में जब ये क्वेश्चन करवाया था, ये जब पॉइंट लिखवाया था, तो मैंने आपसे कहा था PBR3T2 प्लाज्मिड में किस स्थल पर विजातीय डीएनए जुड़ने से उसके
टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन की हानि हो जाती है, जिसे अपन निवेश निष्क्रियण इनसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। तो आपको फाइनली बताना यह है कि टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन जो होती है वो कहां पर पाई जाती है। क्लास के अंदर मैंने बच्चों से कहा भी था, बच्चे ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि किस साइट पर कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो आपका क्या हो जाएगा। इल्यूशन, इल्यूशन का मतलब होता है जो आपका डीएनए फ्रेगमेंट है इनको यहां से, जैसे ये आपका डीएनए फ्रेगमेंट साइज के बेसिस पर ये उससे भी बड़ा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा, तो इन डीएनए फ्रेगमेंट को जेल से काटकर बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहला जाती है, इल्यूशन या निक्षालन कहते हैं। चलिए बैम एच वन, बैम एच वन डी, सभी का डी आंसर, डी आंसर, बैम एच वन आंसर, क्या बात है। इको आर फर्स्ट, इको आर फर्स्ट, कुलदीप, कुलदीप कह रहे इको आर फर्स्ट। ये कुलदीप जो है मुझे लग रहा है क्योंकि इन्होंने आंसर नहीं देखा है तो ये अकड़ बकड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अकड़ बकड़ कर रहे हैं, और उसके हिसाब से अपना आंसर जो है वो टीप रहे हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो सही। टेट्रासाइक्लिन बैम एच वन पर तो आपको पता चल गया है बिल्कुल ही, बैम एच वन जो आपकी बैम एच वन की रेस्ट्रिक्शन साइट होती है उसी रेस्ट्रिक्शन साइट पर जाकर कौन जुड़ जाता है, आपका पीबीआर 332 का विजाती डीएनए उस पर आकर जुड़ जाता है। पीबीआर 332 आगे उसका डायग्राम भी आ जाएगा, उसके यहां पर क्या होता है बैम एच वन की जीन होती है साथ साथ में इस पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, और यहां पर कौन सी हो जाएगी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। मैंने क्लास में यह भी कहा था बच्चे आपसे पूछा जाएगा बैम एच वन पर कौन सी रेजिस्टेंस जीन होती है या कौन सा रेजिस्टेंशन एंजाइम जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट जो है, अच्छा ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, इसका मतलब जो आपका बैम एच वन है वो इस साइट पर आकर वर्क करता है ना कि इसके पास बैम एच वन एंजाइम है। सुनना दोनों में अंतर है, बैम एच वन जो है वो इस साइट पर आकर डीएनए को काटता है ना कि यहां पर बैम एच वन एंजाइम मिला था, दोनों चीजें अलग है। और यहां पर आपके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पाई जाती है जो निवेश निष्क्रियण के द्वारा खत्म हो जाती है। क्लियर है भाई। धर्मेंद्र खुश रहो बच्चा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विजाती डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के भीतर अंतक्षेपित करने की विधि, सीधे आपको कहां भेजना है, सीधे एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर भेजना है, कोशिका के अंदर भेजना है, तो बायोलिस्टिक, माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेसिस, हीट सॉक्ड, इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो सीधे जो है वो क्या कर सकती है कोशिका के अंदर भेज सकती है। द मेथड इन विच एलील डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस, ध्यान देना यहां आपके कोशिका के भीतर नहीं लिख रखा है, न्यूक्लियस यानी कि कहां भेजना है बच्चे, केंद्रक में भेजना है, कहां भेजना है केंद्रक में, हिंदी मीडियम, विजाती डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक के भीतर अंतक्षेपित करने की विधि, डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, किसके लिए, एनिमल सेल के लिए पूछा गया है। बी आंसर, बी आंसर सभी का, दीपिका, सुनील, प्रिंस, संदीप, पूजा, सभी का आंसर जो है वो क्या आ रहा है, विकास, जयपाल, सीमा, सेजू, सभी का आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। देखिए भाई यहां पर आपके पास कोशिका कौन सी है, जंतु कोशिका है, और जंतु कोशिका के आपके केंद्रक के अंदर क्या करना है डीएनए को इंसर्ट करवाना है ना कि कोशिका द्रव्य में करवाना है, तो हम क्या ले सकते हैं छोटा सा माइक्रो इंजेक्शन, और ये डायग्राम मैंने क्लास में बनवाया था बच्चे आपसे, इस तरह का एक डायग्राम बना था जिसमें जो हमने इस सॉफ्ट के अंदर किसको पैक कर दिया, फाइनली एक कोशिका को डाल दिया। अब गोल आकार की कोशिका है तो आपको ऑब्वियसली पता है कि कौन सी कोशिका रहेगी, जंतु कोशिका, और इसके अंदर अपन ने माइक्रो पीपीटी, बहुत ही सूक्ष्म प्रकार की माइक्रो पीपीटी और माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से डीएनए को सीधा किसमें ट्रांसफर कर दिया है, केंद्रक के अंदर ट्रांसफर कर दिया है, जिसके कारण जो है डीएनए जाकर संभावना जो है डीएनए जुड़ने की ज्यादा हो जाती है। और अच्छा ये भी पॉइंट अच्छा है कि यदि आपसे पूछा जाए एक आप डायरेक्ट जीन ट्रांसफर कर रहे हो, दूसरा आप इनडायरेक्ट वेक्टर कर रहे हो, इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा है, सुनिए क्वेश्चन ये है, एक आप डायरेक्ट जीन ट्रांसफर कर रहे हो,
दूसरा आप वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो, दोनों में से सही कौन सा ज्यादा जो बेनिफिशियल है वो कौन सा हो जाएगा? आपको क्या पूछा गया है? यदि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा, बायोलिस्टिक, माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, हीट शॉक, ये सब डायरेक्ट है, लेकिन आपसे पूछा गया कि डायरेक्ट और वेक्टर दोनों में से अच्छा कौन सा है वो आपको बताना है। डायरेक्ट, डायरेक्ट थ्रू द वेक्टर, डायरेक्ट रेनिका डायरेक्ट मेथड, सागर डायरेक्ट मेथड, लेकिन किरण कह रही कि वेक्टर के थ्रू भेजना जो है वो ज्यादा हमारे लिए कैसा रह जाएगा, बेनिफिशियल रह जाएगा। देखिए बच्चे, सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने जो है सबसे पहले विजातीय डीएनए को किसी वेक्टर के साथ जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वांछित जीन का चयन करना पड़ता है। वांछित जीन का चयन करके वांछित कोशिका का चयन करना पड़ेगा, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, वाहक का चयन करना पड़ता है। उसके बाद आप जो है बहुत बड़ी मुश्किल से उसके लिए क्या बनाते हो, आर डीएनए बनाते हो। इस आर डीएनए को फिर आप जो है किसमें ट्रांसफर करवाते हो, एक परपोषी कोशिका में ट्रांसफर करवाते हो। अरे कितना लेंथी प्रोसेस है, कितना खर्चीला प्रोसेस है। हमने जो है माइक्रो इंजेक्शन से आपके विजातीय डीएनए को सीधा छोटे छोटे गोल्ड टंगस्टन के पार्टिकल को, गोल्ड टंगस्टन के पार्टिकल के साथ में रैप्ड करके सीधा ही कहां भेज दिया, केंद्रक में भेज दिया। अरे उसकी पॉसिबिलिटी चुनने की ज्यादा है। तो वेक्टर के साथ नहीं, डायरेक्ट जो आपका ट्रांसफर होता है वो काफी अच्छा है। द रीजन बिहाइंड, आपको डायरेक्ट में किसी भी प्रकार के जो है वेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है, आर डीएनए बनाने की जरूरत नहीं है। आर डीएनए को रूपांतरज जो है उसको, और रूपांतरज ट्रांसफॉर्म को नॉन ट्रांसफॉर्म से एक अलग करने की जरूरत नहीं है। कोई टेट्रासाइक्लिन मीडियम नहीं लेना है, कोई एम्पिसिलिन माध्यम नहीं लेना है, सीधा जो उसको गोली मारो, लगी तो ठीक है, नहीं तो अगली बार फिर से ट्राई कर देंगे। लेकिन इस प्रोसेस में आपने इतना प्रोसेस करने के बाद भी यदि वो डीएनए जो है आपकी कोशिका में नहीं पहुंचा तो आपको जीरो से वापस चालू करना पड़ेगा। एक वेक्टर को वापस निकालो, उस डीएनए के साथ वापस जोड़ो, वाहक के साथ वापस जोड़ो, आरडीएनए बनाओ, आरडीएनए बनाए ना बना है उसका जो टेस्ट करो, जिसे अपन कहते हैं रूपांतर जो का, और रूपांतर से ट्रांसफॉर्म का नॉन ट्रांसफॉर्म से अलग करना, और देन आफ्टर उसको सेल में डिवीजन जो है आपको ट्रांसफर करना है। तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है, इसलिए डायरेक्ट जो रहता है वो क्या रहेगा, ज्यादा बेनिफिशियल। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि सारे बच्चों के ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। द डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज यूज इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम, जो आपके टैग पॉलीमरेज होता है डीएनए के जो पॉलीमरेज से रिएक्शन में, वो कहां से मिलता है, बैक्टीरिया से, प्लांट से, नेमेटोडा से, या फंगस से? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल बच्चा, बहुत ही जो है सिंपल आंसर है। आरिफ ए आंसर, संजू ए आंसर, रेनुका ए आंसर, दीपिका ए आंसर, थर्मस एक्वेटिकस बी ए सी, बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया ए आंसर, ए आंसर बिल्कुल कोई पूछने की जरूरत नहीं है। थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस जो आपका थर्मस होता है वो भी इसी कंसेप्ट पर काम करता है, क्योंकि उच्च तापमान पर अपने आप को सर्वाइव कर जाता है। जो हॉट स्प्रिंग झरने होते हैं, हॉट स्प्रिंग यानी कि गर्म झरने जो होते हैं, वहां पर आपका एक बैक्टीरिया पाया जाता है थर्मस एक्वेटिकस, और उसी से हमें क्या मिलता है, उसी से हमें टैग पॉलीमरेज मिलता है, जो पीसीआर की ताप निर्धारक में, किसमें, ताप निर्धारक में। पीसीआर को मैं यहां फिर से लेकर नहीं बैठ जाऊंगा, इस पीसीआर के बारे में मैंने आपको कई बार कई क्वेश्चन करवाए हैं जो अगली बार पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीएनए अंगुली छापन में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाना, इसे क्या कहते हैं? जब अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो कुछ डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिक रीजन की पहचान करते हैं। इन डीएनए सीक्वेंस को कहेंगे क्या, रेपिटेटिव डीएनए, नॉन रेपिटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, या फिर फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड, रेपिटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए दोनों। हाँ बिल्कुल सुनील, बड़े जोश में आपने कहा है कि सर हमारा आंसर ए है, और हमने भी आपको बड़े जोश में कहा कि आपका राइट आंसर है। चलिए बताइए अगले वाले का, श्रेय सोनी ए आंसर, पिछले वाले का बजरंग जी, गुड इवनिंग,
हमारी तरफ से भी। आ जाइए टॉपिक पे आ जाइए। अश्विनी जी ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, अच्छा ये भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। डी आंसर डी आंसर डी आंसर, क्योंकि डी आंसर लगा रखा। आरिफ वेज योर आंसर। लवली समा, किरण, दीपिका, श्रेयांश, विकास, सागर, कविता पटेल, सभी का आंसर जो है वो क्या आ रहा है, सीमा सेजू, डी आंसर, सभी का आंसर। देखिए रिपीटेटिव डीएनए जो होता है, अच्छा सेट क्रोमोसोम या सेट डीएनए, ये आपका एक क्रोमोसोम भाई साहब, सिंपल क्रोमोसोम जिसको मैंने प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, यही इसका क्या कहलाएगा, आपका सेंट्रोमियर कहलाता है। लेकिन कुछ डीएनए 21, 22, 19 डीएनए, वो जो आपके सॉरी क्रोमोसोम जो होते हैं उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमेटिड और पाई जाती है, ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन और होता है। इसके बाद का जो डीएनए होता है इसी को अपन क्या कहते हैं, सेट डीएनए कहते हैं। इसी को अपन क्या कहेंगे, सेट क्रोमोसोम डीएनए। और इसी डीएनए में क्या पाए जाते हैं, आपके रिपीटेटिव जो सिक्वेंस होते हैं पाए जाते हैं। तो एक तो अपन रिपीटेटिव डीएनए के सिक्वेंस को पढ़ेंगे, और ये किसमें पाए जाते हैं, सैटेलाइट डीएनए में पाए जाते हैं, जो सेट क्रोमोसोम का पार्ट रहता है। वेरी सिंपल, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई डी इसका करेक्ट आंसर है, जो सभी का डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल क्या बात है। आरिफ डी आंसर, किरण सभी का डी आंसर। चलिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, 2 मिनट का ब्रेक है, क्योंकि आपका दिमाग का जो है वो बत्ती अब तक तो जल चुका होगा। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बिल्कुल डियर। सो यदि कोई फ्री में राजस्थान की यूनिवर्सिटी से नर्सिंग करना चाहता है, क्योंकि आपको भी पता है कि नर्सिंग करना इतना इजी तो नहीं है, सो हमारे ऑफलाइन बैचेस जो है वो प्रारंभ हो रखे हैं। आपके पास बहुत ही सीमित समय है, हर बार आपको ये जानकारी देकर समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, लेकिन एक बार आपको ये जरूर ध्यान देना है, समय सीमित है, जितना जल्दी हो सके आपको क्या करना है, बैच ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपका समय पर सिलेबस हो सके, नहीं तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप ही रहेंगे और कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमीनो अम्ल का एटीपी की उपस्थिति में सक्रिय होना तथा सजातीय अंतरण आरएनए से जुड़ना, सजातीय अंतरण यानी कि जो आपका कॉन्क्रीट टीआरएनए उससे जुड़ना, इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए या लाइगेशन ऑफ टीआरएनए या फिर इनिशिएशन। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, एनसीईआरटी के ही पॉइंट अपन उठा रहे हैं। उल पाए पांच, तू पांच भी बैठा अभी, अरे बेटा हमने कंसेप्ट कितने क्लियर किया है, तेरे क्वेश्चन 5 थे लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से तो 15-20 क्वेश्चन हो गए तेरे। यहां पर अपन कभी भी एक ही क्वेश्चन को लेकर बता दिया आंसर ठीक है आगे बढ़ो, नहीं उसके आने वाले आसपास के सभी कंसेप्ट को देखते हैं। चलिए भाई सागर, सैटेलाइट डीएनए को हिंदी में भी सैटेलाइट डी बोलते, बिल्कुल डियर। अनुषंगी मैं भी पॉसिबल अनुषंगी, थोड़ा सा इसका जो मेरे को कॉन्ट्रोवर्सी, अनुषंगी डीएनए कहते हैं उसे। किरण का ए आंसर, सीमा सेजू, प्रिंस, बजरंग, किरण, सतीश, बजरंग, सीमा, विशाल, प्रिंस, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए ए आंसर। राहुल कुमार, कैलाश चौधरी, संदीप, सभी का क्या आंसर है, धर्मेंद्र, सभी का आंसर बी, धर्मेंद्र जो है बी आंसर दे रहे हैं। अश्विनी ए आंसर, कुलदीप, देखिए भाई आरिफ ए आंसर, सभी का ए आंसर। सबसे पहली ही प्रक्रिया यही है बच्चे, क्योंकि हमारे पास अमीनो अम्ल जो है वो कैसे हैं, चार्ज हो रखे हैं, तो अमीनो अम्ल का एक्टिवेशन हो रखा है, ध्यान देना अमीनो अम्ल का क्या देखा जाता है, एक्टिवेशन देखा जाता है, जबकि टीआरएनए की चार्जिंग या लोडिंग देखी जाती है। अरे ए ए ए सीधा याद रखो, अमीनो अम्ल का क्या देखा जाएगा, एटीपी की प्रेजेंस में एक्टिवेशन, जबकि टीआरएनए के साथ जब ये अमीनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स जुड़ता है तो इसी को अपन क्या कहते हैं, जो ये बना हुआ आपका टीआरएनए रहेगा जिसके साथ क्या जुड़ रखा है, आपका अमाइनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स जुड़ रखा है, इसी को अपन क्या कहते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं। सो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ी जनसंख्या में आंकड़ों की प्राप्ति के लिए उच्च गणितीय की संगणक साधन की आवश्यकता होती है, जिससे आंकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण और पुनः उपयोग में सहायता मिलती है, के बारे में जानकारी जीव विज्ञान के इस क्षेत्र को तेजी से विस्तार करना संभव पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं। जैसे आपने बहुत सारी बायो इन्फॉर्मेटिक, बायो जो जानकारी आपके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो जानकारी ली है, सो उसको आपको एक एरिया के क्षेत्र के हिसाब से या उन सभी डाटा को
कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके आप उसको पढ़ना चाहते हो, तो ये जो आपकी टेक्निक कहलाती है क्या कहलाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायो टेक्नोलॉजी। खोटा खोटा पूरा खोटा, कोई कोई इश्यू नहीं बेटा। सी आंसर आरिफ, सी आंसर संजू, सी आंसर रेणुका, सी आंसर श्रेया सोनी, सी किरण, सभी का जो आंसर आ रहा है वो सी आ रहा है। अच्छा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि भाई मैंने तो है जो इसका आंसर बोल ही दिया था, थोड़ा सा स्लिप हो गया था और सभी ने जो है जो बदमाश विद्यार्थी उन्होंने उस आंसर को पकड़ लिया था। देखिए बड़े बड़े जो आंकड़े, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन डीएनए जो उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का नंबर कितना होता है, 10^9 बेस पेयर के आसपास रहता है। इतना बेस पेयर जो होता है 6.6×10^9, इतने बेस पेयर के अंदर उस जीन को ढूंढना जिसकी संख्या बहुत सीमित होती है बहुत ही क्या होता है, असंभव कार्य है। तो आप बार बार उसको नहीं करते हो, एक ही बार में उसको क्या कर देते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स टेक्निक्स के थ्रू क्या कर देते हो, स्टोर कर देते हो। ये क्या कहलाती है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। चलिए एलील क्या होते हैं, हिंदी में एलील अलील क्या होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अ सेम जीन, एक ही जीन के थोड़े भिन्न प्रारूप या भिन्न भिन्न जीनों के भिन्न प्रारूप या फिर भिन्न लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले भिन्न जीन या फिर वह जीन जो किसी गुणसूत्र के भिन्न भिन्न लोकस पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जेनेटिक्स का कंसेप्ट है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आज का जो अपना सेशन है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। क्या बात है, हाथों हाथी जो एक है आरिफ ए आंसर, संजू ए आंसर, सीमा ए, शोभा फर्स्ट आंसर, सतीश, सुष्मिता गुप्ता सी आंसर, आर यू श्योर सुष्मिता, भेड़ चाल नहीं चलोगे आप, जो सब बच्चे दे रहे हैं वो आप आंसर नहीं दोगे। आधे जो है वो क्या करते हैं, अच्छा आधे बच्चे क्या करते हैं, वेट करते हैं। अरे भाई उनको पता है कि अगर 90% जनसंख्या इसका ए आंसर दे रही है ना, तो लास्ट में जाता मैं भी अपना ए आंसर दूंगा, बहती गंगा में हाथ धो दूंगा। आधे विद्यार्थी ऐसे ही करते हैं इसके अंदर, क्योंकि मेरे को कुछ बच्चों ने कहा भी है कि हमें क्या है सर, हमें तो जो है क्लास के अंदर आकर जो है प्रेजेंस देनी है, क्या मतलब राइट होना हो, कोई मतलब नहीं। विनायक बिल्कुल सी आंसर, कुछ विद्यार्थी ए और कुछ अधिकांश विद्यार्थी ए और जो कुछ विद्यार्थी सी आंसर दे रहे, भिन्न भिन्न लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले भिन्न भिन्न जीन, भिन्न भिन्न लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं अच्छी बात है उन्हें एलील्स कहेंगे, लेकिन जीन जो है वो अलग अलग नहीं रहेगी रे। अरे जैसे मैंने कहा है, एक जीन जो है आपकी वो कंट्रोल करती है ह्यूमन की हाइट को या प्लांट की हाइट को, प्लांट हाइट को अपन, क्योंकि जेनेटिक्स में प्लांट लिया मेनली, तो प्लांट की हाइट को कंट्रोल करती है, तो कंट्रोल करती है तो उस जीन का नाम क्या है, प्लांट की हाइट की जीन, जीन क्या है आपकी एक है, उसमें या तो कैपिटल टी हो जाएगा कैपिटल डी या स्मॉल टी हो जाएगा। यदि कैपिटल टी है तो वो प्लांट कैसा होगा, टॉल हो जाएगा, और स्मॉल टी तो ड्राफ हो जाएगा। इसका मतलब ये तो लंबा है लंबाई में, ये बोना है लंबाई में, एक ही जीन के थोड़े भिन्न रूप, जीन कैसी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, भिन्न भिन्न जीनों के रूप भिन्न भिन्न लक्षणों को प्रदर्शित करता है अच्छी बात है, लेकिन जीन क्या बता दी यहाँ पर, भिन्न भिन्न बता दी, वह जीन जो किसी गुणसूत्र के भिन्न भिन्न लोकस पर। अरे भाई प्यारे विद्यार्थी बहुत ही अच्छे डायग्राम से, इतना प्यारा डायग्राम बनाया था यकीन नहीं हुआ था मुझे भी, देखो ऐसा डायग्राम बनाया था अपन ने, और मैंने कहा कि समान जो जीने होती है वो गुणसूत्रों के समान लोकस पर पाई जाती है, वह जीन जो किसी गुणसूत्र के भिन्न भिन्न लोकस पर, अरे भिन्न भिन्न देखते ही तुम तो काटा मार देते, इससे राइट आंसर इसका क्या जाता, ए इसका राइट आंसर जाता। कितना सिंपल सा और कितना प्यारा कंसेप्ट है। तो जो जीन विनिमय देखा जाता है ना बच्चा, क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय, सुनना लिख लेना, किसी न किसी एग्जाम में आएगा, लिख लेना ये नहीं कि किसी न किसी एग्जाम आएगा, लिख लेना ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगा ही आएगा, जाएगा कहां पर, सुनना। जीन विनिमय, जीन विनिमय हिंदी मीडियम समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य देखा जाता है। इंग्लिश मीडियम क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम,
ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये एक ही जोड़े के, जैसे मैंने कहा फर्स्ट सेट का क्रोमोसोम है तो होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये जो आपकी क्रोमेटिड होती है क्या कहते हैं नॉन सिस्टर, और इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या देखा जाता है क्रॉसिंग ओवर देखा जाता है। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उद्यान मटर के पौधे में मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 जोड़ी लक्षण कितने गुण सूत्रों पर उपस्थित थे? 4 क्रोमोसोम पर, 2 क्रोमोसोम पर, 7 क्रोमोसोम पर या 3 क्रोमोसोम पर, बताइए बच्चा। नोटिफिकेशन मत करना। ए आंसर आरिफ, ए आंसर श्रेयास, ए आंसर शोभा, 111 कोई आंसर नहीं है। सतीश 4 आंसर, 3 क्रोमोसोम, तुक्का मारते रहो, कोई इश्यू नहीं है। अरे बच्चे देखिए ऐसा है, जो आपके क्रोमोसोम थे उनकी संख्या कितनी थी? 4 थी। अच्छा अगर इसके बेसिस पर ले, क्रोमोसोम के बेसिस पर ले, तो मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ 4 जोड़ी लक्षण को ही लिया था। यदि हम क्रोमोसोम के बेसिस पर ले तो मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ 4 जोड़ी लक्षण को ही लिया था। सर मजाक मत करो, अब तक हमने जो रट रखा है ना दिमाग खराब हो जाएगा हमारा, रट रखा है क्या कर रहे हो सर, हमने तो 7 रट रखा है। अरे मैं कहां कह रहा हूं 7 नहीं है, 7 है, लेकिन किसके हिसाब से? अगर 4 क्रोमोसोम पर लक्षणों के हिसाब से ले तो कितने जोड़ी थे? 4 थे। एक आपका हाइट का था, दूसरा आपकी पोजिशन स्थिति का था, तीसरे आपका कलर का था, और चौथा आपके सेब का था। अरे 4 ही लक्षण थे, हाइट में प्लांट की हाइट थी, पोजीशन में जो आपके जो फ्लावर की पोजीशन थी, कलर में आपके पास 3 थे, सीड कलर, पॉट कलर, फ्लावर कलर, और सेब में आपके पास 2 थे, 1 2 3 4 5 6 7। नहीं समझे कोई इशू नहीं, क्लास में मैंने अच्छे से आपको डिटेल में समझाया था, क्योंकि यहां यदि आपको समझना तो थोड़ा तो ऐप पर जाना ही पड़ेगा। क्लियर है भाई? तो यहां पर आपके यहां जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वो कौन से थे? 4 थे, जिनकी संख्या 4 थी, और नंबर जो आपके कैरेक्टर्स थे वो 7 हो जाएंगे। प्रारूपिक गंजापन एक उदाहरण है। बार्डनेस इज अ एग्जांपल ऑफ नॉन हेरिडिटी ट्रेड, अवंशानुगत लक्षण, सेक्स लिंकेज ट्रेड, लिंग संलग्न लक्षण, लिंग प्रभावित लक्षण, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर ट्रेड्स, या फिर सेक्स लिमिटेड लिंग सीमित लक्षण। प्रारूपिक गंजापन जो है वो कैसा है? लिंग प्रभावित है, लिंग लिमिटेड है, या लिंग लिंक्ड है, या फिर नॉन हेरिटेबल ट्रेड है? आंसर प्लीज। ए आंसर, अरे क्या कर रहा है? ए आंसर, 2 आंसर, ए ए ए बी ए बी ए बी। ओ भाई क्या कर रहे हो रे बच्चों? पूजा डी आंसर, ये फंस गया है, ये फंस गया है, इन्होंने अपने आंसर जो वेरिएशन में दिए ना, ये फंस गया है, समझ जाओ तुम। अच्छा गंजापन की जो जीन होती है क्या वो मेल और फीमेल दोनों में होती है? नहीं, किसी एक को प्रभावित करेगी या तो, और नॉर्मली किसमें करती है? मेल को ही। आपने कभी जो फीमेल जो है, फीमेल में बार्डनेस नहीं देखी, बार्डनेस जो होती है सिर्फ और सिर्फ मेल में देखी जाती है। इसका मतलब गंजापन का जो लक्षण होता है, गंजापन की जो जीन होती है वो एक लिंग को ही प्रभावित करेगी, उसके अलावा जो है आगे वो नहीं प्रभावित करती। इसका मतलब वो लिंग प्रभावित लक्षण नहीं है। बात गई अब तो आरिफ, क्लास में तो यही करता है। यहां पर आपके गंजापन की जो जीन है वो सीमित रहती है, यानी कि आपके यहां सॉरी जो आपको किसी एक लिंग को प्रभावित करेगी, और वो कौन सी हो जाएगी? लिंग प्रभावित लक्षण हो जाएगा, जो एक लिंग को ही प्रभावित करेगी। अच्छा ज्यादा प्रभावित कर रही है, बहुत कम चेसेस में जो है किस में देखा जाता? फीमेल में। लिंग सीमित का लक्षण का मतलब जैसे हाइपरट्राइकोसिस, कान पर बाल आगना, तो कान पर बाल उगना सिर्फ और सिर्फ किस में देखा जाता है?
सिर्फ और सिर्फ मेल में देखा जाता, फीमेल के हाइपरट्राइकोसिस की जीन नहीं होती है, मेल में देखी जाएगी। 99% केसेस में मेल जो होता है वो क्या होता है, बार्डनेस गंजापन का शिकार रहता फीमेल नहीं। सो इसका आंसर क्या जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर चला जाएगा। ये आपके पेडिग्री एनालिसिस, दिए गए वंशावली प्रारूप का सावधानी पूर्वक, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक अध्ययन करना है तथा चित्र में प्रदर्शित सही लक्षण का चयन करना है। अकॉर्डिंग टू दिस इनमें से कौन सा जो है इसका राइट आंसर जाएगा, क्या ये एल्ब्यूनिज्म है, क्या ये कलर ब्लाइंडनेस है, क्या ये डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ है, या फिर हाइपरट्राइकोसिस है। आंसर प्लीज, इसी ऑप्शन में से। ये पेडिग्री बच्चा आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूं क्योंकि पेडिग्री को सॉल्व करना पड़ेगा। सो हमारे पास पहले पेडिग्री को सॉल्व कीजिए, देन आफ्टर ये आपको आंसर मिलेगा इसका। बी आंसर एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म कैसा है, ये कैसा है, ऑटोसोमल इनेमल टीथ ऑफ डेफिश, ये आपका एक्स लिंग डोमिनेंट हाइपरट्राइकोसिस। देखिए इसको आपको ये तो पता चल जाएगा इससे कि ये जो कैरेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ ना केवल मेल ना केवल फीमेल दोनों में एक्सप्रेस हो रहा है। पहले पहला मेल और फीमेल दोनों में हो रहा है और साथ ही यहां पर आपके कैरेक्टर जो हर जनरेशन में आ रहा है। इसका मतलब आप क्या करना, घर जाकर इसको सॉल्व करना और आप देखोगे कि क्योंकि यहां पर हर जगह आ रहा है, इसका मतलब ये कैरेक्टर कैसा है, डोमिनेंट है। अब डोमिनेंट कैरेक्टर है तो इसका मतलब कि डोमिनेंट हमारे पास एक तो एल्ब्यूनिज्म सॉरी आपका क्या हो गया, दांतों का इनेमल का रूप पाया जाना, डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ, इसमें क्या हो जाएगा आपका प्रभावी लक्षण है, प्रभावी हो जाएगा। अरे भाई बाकी तो सारे के सारे कैसे है, अप्रभावी हाइपरट्राइकोसिस जो आपका एक्स लिंग वाला है, सिर्फ और सिर्फ कौन बचता है इसमें, इनेमल का डिफेक्टिव होना किसका लक्षण हो जाएगा, इनेमल का डिफेक्टिव होना आपकी डोमिनेंट कैरेक्टर का हो जाएगा। बाकी जो भी कैरेक्टर है वो सारे के सारे कैसे है, रेसेसिव है। अरे भाई सीधा क्वेश्चन का आंसर था, एक्स लिंग ये कैसा है, रेसेसिव, ऑटोसोमल रेसेसिव, दोनों के दोनों कैसे है, रेसेसिव है। लेकिन आपके कैरेक्टर में आप देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो हर कैरेक्टर में, सॉरी कैरेक्टर जो है हर जनरेशन में आ रहा है, फर्स्ट जनरेशन में भी अफेक्टेड, सेकंड में भी अफेक्टेड, थर्ड में भी अफेक्टेड। इसका मतलब ये रेसेसिव तो नहीं है, ये तो कैसा है, डोमिनेंट है। जब ये कैरेक्टर डोमिनेंट है तो इसका मतलब आप इनमें से देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता, सेकंड हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों कैसे है, एक्स लिंक रेसेसिव, ऑटोसोमल रेसेसिव है। इसके बाद अब आगे बढ़े तो हाइपरट्राइकोसिस, हाइपोट्राइकोसिस जो था वो आपका वाई कैरेक्टर है, सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने बताया था मेल में देखा जाता है, लेकिन डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ, दांतों का त्रुटिपन इनेमल जो होता है वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब डोमिनेंट कैरेक्टर मैंने कहा कि हर जनरेशन में अपने आपको बता रहा है, ये तो रेसेसिव है नहीं जाएगा। सीधा आंसर कौन सा गया, सी, सोचने का समय नहीं था, सोचने की जरूरत भी नहीं थी, राइट इसका आंसर लिखना था आपको। नहीं समझ में आया विद्यार्थी, बिल्कुल ये पहले ही मैंने आई थिंक क्वेश्चन पूछा है। सब लोग बच्चा घर से ही देखेंगे रे, अरे पहला तूने अपना आंसर दिया फिर दूसरा बदल दिया, नहीं नहीं बोलकर ऐसा मत कर। प्लाज्मिड वाहक का एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन जो विजातीय डीएनए के निवेशन से निष्क्रिय हो जाता है किसके चयन में मदद करता है, ट्रांसफॉर्म्ड के, रिकॉम्बिनेंट के, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड के, या दो और तीन दोनों, रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड को। क्वेश्चन सुनना, प्लाज्मिड वाहक के एक प्रतिरोधी प्रतिरोधी जीन से विजाति डीएनए के निवेशन निष्क्रिय हो गया है, इसका मतलब आपकी जीन जो है वो कहां जाकर जुड़ गई है, निष्क्रिय, जहां पर आपके मैंने कह दिया एम्पीसिलिन या टेट्रासाइक्लिन की जीन थी, कहां पर जुड़ गई है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे जाकर जुड़ गई है। तो यह क्या हो गई, निवेशन निष्क्रिय, निवेशन निष्क्रिय होना मतलब कि वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है, रिकॉम्बिनेंट हो गया है,
नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है या रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड दोनों है। बड़ा सिंपल सा है। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका डीएनए अंदर एंटर कर जाना। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है जो डीएनए अंदर की तरफ एंटर किया है उस डीएनए में आपकी जीन भी जुड़ी रहना। ट्रांसफॉर्म्ड और रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है आपका डीएनए भी अंदर गया है और उस डीएनए के साथ आपकी जीन भी क्या गई है, अंदर गई है। सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब है आपका डीएनए तो गया है लेकिन जीन नहीं गई है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब डीएनए के साथ साथ आपकी जीन भी गई है। तो इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? कोई सोचने का समय बच्चा जो आपके पास विषय नहीं है कि हम इसमें ज्यादा सोचे, इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? सेकेंड चला जाएगा। ध्यान देना बच्चा, सिर्फ और सिर्फ जैसे आपका वेक्टर डीएनए है, जब आपका वेक्टर डीएनए सिर्फ और सिर्फ वेक्टर डीएनए अंदर गया है उसके ऊपर आपकी जीन नहीं जुड़ी हुई है तो वो क्या हो रखी है? सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो रखी है क्योंकि उसके अंदर वेक्टर डीएनए प्रवेश कर गया है। वेक्टर डीएनए जो है उसके साथ साथ आपकी जीन भी जुड़ी हुई है, इसका मतलब वो क्या हो रखा है? रिकॉम्बिनेंट हो रखा है, नया वापस बन रखा है। कंसेप्ट वेरी क्लियर है। क्राई फर्स्ट एसी एवं क्राई सेकेंड एबी बीटी कॉटन जीन्स के प्रोटीन उत्पादन किसके नियंत्रण में उपयोग किए जाते हैं? बॉलवर्म, कॉटन बॉलवर्म या राउंड वर्म या मॉथ में या फ्रूट फ्लाई को? ये तो हमारे लिए चर्चा का विषय है क्योंकि इस पे काफी अच्छा डिस्कशन भी हुआ था। हमने कहा था ये जो है आपके कंफ्यूजन का है कि क्राई फर्स्ट एसी है या क्राई फर्स्ट एबी है, और यही आपका क्वेश्चन जो है हर बार उठता है। बीटी टॉक्सिन बैसिलस थ्यूरेजेंसिस की टॉक्सिक जीन के लिए, ए आंसर, ए आंसर, लंबे लंबे शब्दों में ए आंसर। दीपिका यादव, आरिफ, सयास, कविता, प्रिंस, पूजा, शोभा, दीपिका, किरण, सुनील, सभी का आंसर क्या आ रहा है? किरण कुरी, कविता पटेल, सभी का आंसर क्या आ रहा है? ए आ रहा है, कॉटन बॉल वर्म को। जबकि क्राई फर्स्ट ए बी, ध्यान देना, क्राई फर्स्ट ए बी ये किसको कंट्रोल करती है? कॉर्न बॉरर को, मक्का छेदक को। एनसीईआरटी ने बड़े प्यारे वर्डों में लिखा है मक्का भेदक या मक्का छेदक, छेदक है एनसीईआरटी में दे रखा है। और आपको ये जीन पता होनी चाहिए, पहली जो है क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी है। दूसरी, एक तो ये वाली जीन हो गई, दूसरी जो जीन का टाइप है वो क्राई फर्स्ट एबी है जो किसको कंट्रोल करती है? कॉर्न बॉरर को कंट्रोल करती है। क्लियर है भाई? राइट, इसका आंसर ए हो जाएगा। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर। किसी ने पूछा था इल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो क्या मैंने उसका आंसर दे तो नहीं दिया है या उसका आपको समझ में आया होगा? तो ठीक है, आप आंसर कर दोगे, अदरवाइज जो है आप फिर से गलत ही करोगे। इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग इल्यूशन मींस, आरडीएनए तकनीकी या अनुवांशिक अभियांत्रिकी में क्षालन का मतलब क्या होता है? सेंट्रीफ्यूजेशन ट्यूब में सेंट्रीफ्यूजेशन के पश्चात डीएनए को निकालना या डीएनए के बैंड को सेपरेट करना, जेल के टुकड़ों को अलग करके, या पुनर्योजित प्रोटीन का पुनर्जीवित कोशिका से पृथक होना, या पुनर्जीवित डीएनए का कोशिका में प्रवेश? ये तो क्या पूछ लिया सर, ये तो आपने पहले ही कंसेप्ट बता दिया इसका। आरिफ बी आंसर, किरण बी, सीमा, कविता, सभी का बी आंसर, बी सेकंड, सभी का जो है आपका सुख चौधरी बी आंसर, कुलदीप बी आंसर, मिलिंद बी आंसर, बिल्कुल डियर, सभी का बी आंसर आ रहा है। देखिए बच्चा, मैंने पहले ही बताया था डीएनए के खंड को पृथक करके। अच्छा, एक और क्वेश्चन, ये तो तुमने देख लिया, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, यदि आपसे पूछा जाए कि डीएनए फ्रेगमेंट के पट्टियों को आपको अलग करना है तो किस डाई से अभिरंजित करोगे? क्वेश्चन है, अब अपना आंसर आपने लिख दिया है, बिल्कुल सभी का बी आंसर जो राइट है। मैं अगला क्वेश्चन इसी में पूछ रहा हूं, यदि आपको डीएनए फ्रेगमेंट को पृथक देखना है तो वो तो अपन यूवी रेस में देखेंगे, उसका आंसर मैं बता रहा हूं, लेकिन किस डाई से अभिरंजित करेंगे और उसका कलर क्या आएगा? किस डाई से अभिरंजित करना है, कलर क्या होगा, बताना है सभी विद्यार्थी को। कलर और डाई, डाई कौन सी है, कलर क्या आएगा? श्रेयास, ईटीबीआर, एथिडियम ब्रोमाइड, कलर क्या आएगा?
ब्लू, नारंगी, ग्रीन, ऑरेंज, किस तरह का कलर आएगा? एथिडियम ब्रोमाइड बिल्कुल सही है, एथिडियम ब्रोमाइड तो है, लेकिन कलर क्या आएगा? डार्क ऑरेंज, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। ये ऑरेंज कलर जो है ना बच्चा, ये आपके एनसीईआरटी और आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एथिडियम ब्रोमाइड देगा और हम जो है अपने पैर पसार लेंगे, पंख पसार लेंगे। देखो एथिडियम ब्रोमाइड दे रखा है, वाओ मजे करो। यहां पर जो एथिडियम ब्रोमाइड दे रखा है क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन अपन आगे नहीं पढ़ते कि उसमें ऑरेंज की जगह ग्रीन येलो दे रखा होता है और आपको गलत स्टेटमेंट का पूछते हैं। और पहला ही पहला स्टेटमेंट जो है यही दे रखा होता है कि वहां पर जो एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करने के बाद नीले कलर के दिखाई देते, ऑरेंज कलर के नहीं ग्रीन कलर के दिखाई देते। बट हम तो फ्लो फ्लो में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, कर देते हैं खोटा ना। तो यहां ध्यान देना, ऑरेंज कलर के वो बैंड जो आपको दिखेंगे, तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए ये प्लाज्मिड का क्वेश्चन है। दिए गए इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर पीबीआर 322 में दिए गए आरेख प्रदर्शित निम्न से कौन सा एक विकल्प भाग जो सही है, यानी कि आपको बताना है कि इसके अंदर जो भी आपका सही भाग दे रखा है कि हिंड सेकंड और इको आरेख फर्स्ट दोनों के दोनों सेलेक्टेबल मार्कर जीन है, या फिर एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, या फिर ओरी साइट जो होती है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट होती है, या डी आरओपी रिडक्टेज ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है, ये रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है। इनमें से इस डायग्राम के दिए हुए कौन सा भाग जो है वो सही बता रहा है, वो आपको इसमें से राइट आंसर देना है। क्या हिंड थर्ड इको आरआई सेकंड सेलेक्टिव मार्केबल जीन है, या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, या ओरी साइट ओरिजिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट कहलाती है, या रोप रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है? बी आंसर, बी आंसर सभी का, कुमकुम प्रजापति बी आंसर, किरण कविता सीमा सूरज विश्नोई और ये सभी का आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। मोटे मोटे तौर पर क्या बात है, क्या आंसर आज तो मतलब तुम्हें नींद बड़ी प्यारी आएगी, तुम्हारे क्वेश्चन जो है राइट हो रहे हैं काफी ज्यादा। अरे भाई एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन खुद ही कह रही है कि ये कैसी है, रेजिस्टेंस जीन है, जबकि हिंड सेकंड ये तो सबके सब क्या है, रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उनकी साइट होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट ना कि ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन साइट या एंजाइम। आरओपी रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, आरओपी रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड रिडक्शन ऑस्मोटिक प्रेशर, खोटा। राइट आंसर सेकंड, क्लियर है बच्चे, राइट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन दिए गए प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए सही पहचान का क्रम बताइए, क्या BAMH1 जो है और हिंड इको आर एफ जो है वो इस सीक्वेंस को कट करेंगे, BAMH1 इको आर एफ इस सीक्वेंस का BAMH1 इको, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। ये क्लास में मैंने बता रखा है बच्चे, क्योंकि आपको एक तो इको आर फर्स्ट और एक BAMH1 इसका ध्यान रखना है कि इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, ये किस पैलेंड्रोम सीक्वेंस को कट करता है। बी आंसर विजय पूजा विश्नोई, बी आंसर आरिफ, ए आंसर, ये पिछले वाला तो नहीं है, इसी का बता रहे हो, इसी का वापस रिपीट कर लो, इसी का आंसर है तो ए और बी आंसर इसका आप बता रहे हो। आरिफ ए आंसर मतलब इसी का आप बता रहे हो। कविता पटेल बी आंसर, सतीश शर्मा बी, कविता ए आंसर, अच्छा कविता पटेल यहां कविता विश्नोई, शोभा ए आंसर, श्रेयास ए, ए सभी का जो है आंसर वो ए आ रहा है, कुलदीप बी आंसर, आरिफ ए आंसर। देखिए पहली बात तो आपको एक पैलेंड्रोम सीक्वेंस पहचानना है, दूसरी यहां पर पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या रहेगा और किसका क्या है वो आपको पहचानना है। सबसे पहले इको आर आई का अगर आपको पता हो तो GAATTC GCC खोटा, AGG खोटा, TTG खोटा, GAATTC GAATTC इको आर आई फर्स्ट, एरिसिया इकोलाई आर स्टैंड,
ई एल एच सी सी कोलाई आर उसका स्टैंड और फर्स्ट उसका हो जाएगा जो आपके पृथक किया गया है उसका सीक्वेंस फर्स्ट सीक्वेंस में इसको पृथक किया गया था। तो ये क्या करता जी और ए के बीच में और बैम एच वन जी जी ए टी टी सी के बीच में जी और ए के बीच में क्या करता है कट कर ए और टी के बीच में कट करेगा और इन दोनों का जो रेस्ट्रिक्शन साइट रहती है और ये जो सीक्वेंस रहता है इसी सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं बच्चा। इसे अपन क्या कहेंगे पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहेंगे जो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अब आपके मोनोप्लॉइडी यूप्लॉइडी टेट्राप्लॉइडी ये जो आपने प्लॉइडिटी क्रोमोसोमल एबरेशन में आपने या फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशन में देखा होगा उसका एक क्वेश्चन है यदि आपके अष्टगुणित ट्राइटिकम एस्टिमेटर गुणसूत्रों की अगुणित एन तथा मूलभूत संख्या एक्स क्रमशः क्या रहेगी। आपका आपको पता होगा कि पॉलीप्लॉइडी किसमें देखी जाती है वीट यानी कि गेहूं में देखी जाती है। पॉलीप्लॉइडी का केस किसमें देखा जाता है गेहूं में देखा जाता है गेहूं के अंदर क्या देखी जाएगी पॉलीप्लॉइडी देखी जाएगी। सो आपसे पूछा गया कि एक पॉलीप्लॉइड गेहूं है और उसकी गुणिता कितनी है ऑक्टेट है ऑक्टाप्लॉइड है ऑक्टाप्लॉइड ऑक्टा मतलब आठ अष्टगुणित है उसके गुणसूत्रों की अगुणित नंबर एन तथा मूलभूत संख्या एक्स क्रोमोसोम कितने रहेंगे इसमें से आपको राइट आंसर बताना है जो सही है। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 21 और 7 सेकेंड आंसर 21 व 7 अष्टगुणित है इसका मतलब उसके अंदर अच्छा ये भी ध्यान रखना गुणसूत्रों की संख्या तो इसमें 7 ही है लेकिन जोड़ों की संख्या जो है क्या हो जाती है बदल जाती है 8 जोड़े पाए जाएंगे इसके अंदर कितने 8 जोड़े पाए जाएंगे 21 7 21 7 बी आंसर 21 7 भाई आपसे ये अगुणित पूछा है ना तो इसका द्विगुणित कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा तो अगुणित कैसा हो जाएगा 21 और क्या कर दिया बच्चा आपसे अगुणित का पूछा गया था ना और आप सभी का आंसर जो है वो बी आंसर जो आपने दिया है मोटे मोटे तौर पर सबका खोटा है। द रीजन बिहाइंड कि आपसे अष्टगुणित पूछा गया है सो अष्टगुणित में क्रोमोसोम का नंबर तो कितना है यहां पर तो कितना रहेगा 7 ही है। अब अष्टगुणित है तो आपके 7 मतलब कि क्रोमोसोम जो कितने पेयर में आ रखे हैं 8 की फॉर्म में आ रखे हैं तो कितने हो जाएंगे 56 तो क्या रहेंगे इसके 2n सेल रहेगी लेकिन आपसे पूछा क्या गया था अगुणित कोशिका पूछा गया है। हाँ ये फंस गया अब यहां तुम फंस गए हो। सुनना कंसेप्ट क्या है आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है अष्टगुणित इसका मतलब वो जो गुणसूत्र है वो 8 के जोड़ों में है कितने के जोड़े में 8 के जोड़ों में है यहां 8 जोड़े बनाए अपन तो ये गुणसूत्र जो है कितने जोड़ों में रहेंगे 8 के जोड़े में रहेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 8 के जोड़े में तो 2 जोड़े हुए ऐसे ऐसे कितने हैं 8 जोड़े हैं। अब 8 जोड़ों में आपके गुणसूत्रों का संख्या तो वो कितनी रहेगी हर बार 7 ही रहेगी लेकिन आपको 8 गुणसूत्रों को लेके गुणसूत्रों की अगुणित संख्या को लें तो अपन 28 और क्योंकि गुणसूत्र दो दो के रूप में स्थित है इसलिए कितना हो जाएगा 7 × 8 टोटल कितना हो जाएगा 56 और अगर एक का ले तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अरे कंसेप्ट क्लियर हुआ रे सभी का खोटा सभी का क्या है मोटे मोटे तौर पर इसका सभी का आंसर क्या गया था खोटा गया था। नेक्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म में आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को निकाल दिया जाना किसका संश्लेषण को प्रभावित करेगा यदि आपके जो है किसी भी न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य में जिसे अपन कैरियोप्लाज्म कहते हैं कैरियोप्लाज्म अगर उसके कैरियोप्लाज्म से अपन क्या करते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकंड हटा दें तो किसका जो है वो निर्माण नहीं हो पाएगा इन ऑप्शन में से आपको बताना है। आपको इसी में से जो है आंसर बताना है
आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, थर्ड। सी आंसर एच एन आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो किसका निर्माण करता है? आरआरएनए का। आरएनए सेकंड जो होता है वो एच एन आरएनए और एमआरएनए का, और जो आपका आरएनए थर्ड होता है वो टीआरएनए और 5.8 एसआरआरएनए। ये भी आपके कंसेप्ट का पॉइंट है बेटा, 5.8 एसआरएनए। अच्छा, यहां पर आपके कौन से आ जाएंगे? जितने भी 18S, 28S, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, किसको छोड़कर? इस 5.8 को छोड़कर। बाकी सारे 8 वाले कहां आएंगे? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में, लेकिन थर्ड में कौन सा हो जाएगा? तो आपके अगर पॉलीमरेज सेकंड को हटा दिया जाए तो कौन सा एमआरएनए नहीं बनेगा, कौन सा आरएनए बनेगा? एचएनआरएनए नहीं बनेगा, जो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं डियर, सी को लॉक क्या कर दो, सी जो है, अच्छा सी था इसका आंसर, हाँ सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। क्लियर है? इसके साथ साथ मैंने आपका कुछ और भी कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर दिया है। चलिए भाई, अब जो है आपके इस सेशन का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का समापन देखा जाता है। ओ सॉरी, 5.8 अगर मैंने वह 5.8 लिखा है बच्चा, तो करेक्शन मानवीय भूल, 5 जितने भी, अच्छा जो आपका 28S है, 18S है, वो पॉलीमरेज फर्स्ट में, सेकंड में आपका एमआरएनए, थर्ड में आपका टीआरएनए तथा 5SRRN। माफी चाहता हूं। सो आपके सभी का जो आंसर था वो थर्ड गया है, जो कि क्या है? सही है। और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आज आपको इस सेशन में बड़ा मजा आया होगा। अच्छा ये देखना, हमने जब एक यूनिट को लेकर किया है, जब आपकी मॉलिकुलर बायोलॉजी को लेकर किया है, तब आपके जो है क्वेश्चन राइट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा थे। लेकिन जब अपन होल सिलेबस को लेकर कर रहे हैं, तब आपके जो क्वेश्चन राइट क्यों नहीं हो रही है, थोड़ा सा आज चिंतन का विषय बचा आपके लिए। और आपको भी पता है कि एग्जाम में आपके एक जो है चैप्टर से, एक यूनिट से, एक क्लास के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आधे विद्यार्थियों के साथ तो ऐसा हो रखा है, उन्होंने आरयूएचएस के लिए राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़ी है और क्वेश्चन जो 11th और 12th दोनों के आ रखे हैं। मैं नमन करता हूं इस एग्जाम को, क्योंकि आपको एग्जाम की तैयारियां हमें इस तरह से करवानी है, ऑलराउंडर के रूप में। हमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखना है कि हम जो है वो 11th के क्वेश्चन ना कर पाए, सिर्फ 12th के कर पाए। हम जो टॉपिक ले रहे बच्चा, उन सभी के क्वेश्चन जो है आपके शामिल होते हैं, 11th और 12th दोनों के। चलिए भाई, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आज का टॉपिक आपने काफी अच्छा एंजॉय किया, कंसेप्ट आपके काफी अच्छे से क्लियर हुए, और कुछ जो छूटे कंसेप्ट है अपन नेक्स्ट सेशन में फिर से ले लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय जय हिंद सी।